तिवारी मेडिकल स्टोर के सौजन्य से सीतापुर आक अस्पताल द्वारा आयोजित हुआ निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। जी हाँ, आपको बताते चले कि पयागपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खजरी में डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी के सौजन्य से तिवारी मेडिकल स्टोर पर सीतापुर आक अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकांश मरीजों ने अपनी अपनी आँखों का परीक्षण कराया। जिन जिन मरीजों को आँख से कम दिखना, मोतियाबिंद, रतौंधी, नाखून आदि की समस्या थी, उन मरीजों ने अपना इलाज कराया। आपको बताते चले कि शिविर में 110 मरीजों को देखा गया, जिसमें 58 मरीज मोतियाबिंद और नाखून के मिले। इन मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका सीतापुर आक अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। 65 मरीजों को चेकिंग के बाद टीम द्वारा तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। इन मरीजों को लेकर सीतापुर पहुँचाया गया। वहाँ पर निःशुल्क उपचार, रहना, खाना पीना और जो भी सामग्री उपयोग में लाई जाएंगी, वह सब सीतापुर आक अस्पताल द्वारा दिया जाएगा। शेष 45 मरीजों को, जिनकी आँखों में अधिक तकलीफ नहीं थी, उनको दवा तथा चश्मा उपलब्ध कर घर भेज दिया गया। तिवारी मेडिकल स्टोर पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक मरीजों का जमावड़ा रहा। लोगों ने डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए सभी मरीजों व क्षेत्र के लोगों ने बहुत ही धन्यवाद दिया व उनके इस पुनीत कार्य को सराहा। सीतापुर अस्पताल द्वारा आयोजित इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर विष्णु के त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर पार्थ पांडे, डॉक्टर कंचन लता तथा कैंप के इंचार्ज ब्रजेंद्र सिंह तथा चश्मा वितरण करने वाले अवध किशोर शुक्ला सहित सैकड़ों मरीजों व क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। तो बताएं, ये कैंप कहाँ लगा है? ये कैंप रामनगर खजरी पंजेरा पे लगा था। ये डॉक्टर वेद का त्रिपाठी मनसा डॉक्टर के द्वारा लगाया गया। जी जी। इसमें टोटल 120 मरीजों को देखा गया, जिसमें से 58 मरीज जिनको मोतियाबिंद, नाखूना और नाखून के मिले, उनको सीतापुर के द्वारा की टीम के द्वारा आज लेकर के जाया जाएगा और वहाँ पे इनकी जाँचें होंगी। सब कुछ फ्री होगा, कुछ भी नहीं से पैसा लिया जाएगा। जी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज जाएंगे, आज शाम को इनकी जाँचें होंगी, फिर कल सुबह इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद परसों इनके पट्टी। अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन मलिक की रिपोर्ट, चरदा जमो, बहराइच।